वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों की अचानक से भूख कम हो जाती है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। भाइयों, काफ़ी सारे लोग बिना जांचों को कराए भूख को बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी गोलियों को खाते हैं या उल्टा सीधा इलाज कराते रहते हैं, लेकिन उन सभी लोगों को यह पता नहीं होता है भूख के कम हो जाने पर कौन कौन सी जांचों को कराना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जांचों को नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कोई भयंकर बीमारी होती है, जिसकी वजह से उनकी भूख कम हो गई होती है। उस बीमारी का पता उनको वक्त पर नहीं लग पाता है और वो बीमारी बढ़ जाती है, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको कुछ जाँचों को बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर आप करा लेते हैं तो आपको पक्का पता लग जाएगा कि आपकी जो भूख कम हो गई है वो कौन सी बीमारी के कारण कम हो गई है। और भाइयों, जब आप उस बीमारी का सही इलाज करा लेंगे तो आपकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो भाइयों, इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों, जिन लोगों की अचानक से भूख कम हो गई है उनको खाना खाने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती है, तो आपको सबसे पहले PBC का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, ESR ब्लड टेस्ट को करा लेना चाहिए, LFT ब्लड टेस्ट को करा लेना चाहिए, RFT ब्लड टेस्ट को करा लेना चाहिए, सीरम प्रोटीन टोटल ब्लड टेस्ट को करा लेना चाहिए और आपको यूरिन RM पेशाब की जांच को करा लेना चाहिए। और इन जांचों के अलावा आपको चेस्ट एक्सरे PAVU छाती का एक्सरे करा लेना चाहिए और सुबह खाली पेट का एब्डोमिन का अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। तो भाइयों, इन सभी जांचों को कराने पर आपको पक्का पता लग जाएगा कि आपकी जो भूख कम हो गई है वो कौन सी बीमारी के कारण कम हो गई है। भाइयों, जब आप उस बीमारी का सही इलाज करा लेंगे तो आपकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। भाइयों, जिन लोगों की अचानक से भूख कम हो गई है तो आप सबसे पहले इन जांचों को कराएं और बाद में अपना सही इलाज कराएं। बिना इन जांचों को कराए भाइयों, आप किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ जाए। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं भाइयों, मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। नमस्कार भाई।